सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था फर्स्ट समूचे, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली विविध। तो विविध के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए, आज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कल हमने कहाँ तक कर लिया था, 18 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 19वां क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, प्रत्येक के दो दो उदाहरण बताइए। तो ये आपको स्वयं को करना है, ये हमने सब पहले जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ सबको आपको बता दिया था। रिक्त समुच्चय के आपको दो उदाहरण बताना है, और परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय, ये सारा हमने पहले पढ़ लिया था। आगे बात, तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक समुच्चय दे रखा है ए बी सी डी, और समुच्चय दे रखा बी जिसमें तीन अवयव है पी क्यू आर, तथा एक समुच्चय दे रखा आपको सी जिसमें ए बी पी क्यू, ये चार अवयव है। हो तो निम्नलिखित की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए, आपको चेक करना कि ये सत्य है कि नहीं है। तो पहला ही देख लीजिए क्या है, a माइनस बी बराबर सी, ये सारे लिख लेते हैं उसके बाद में हम चेक कर लेंगे। दूसरा आपको बताना है b माइनस सी नॉट इजकल टू a। तीसरा b माइनस ए इज इक्वल टू 5, यानी खाली समुच्चय। चौथा a यूनियन b माइनस सी बराबर सी डी आर, यानी एक समुच्चय जिसमें तीन अवयव सी डी आर। और पांचवा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर सी, आपको चेक करना है कि ये सत्य है या नहीं है। आगे बात, तो सबसे पहले पहला चेक करते हैं आगे बात कि ए माइनस बी बराबर होता है क्या सी के। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए माइनस बी, तो समुच्चय ए आपके पास में पड़ा है, ये आपके पास में समुच्चय बी पड़ा है, तो समुच्चय ए में से समुच्चय बी घटाना है, ए से बी का अंतर। आगे बात में तो देखिए किस प्रकार करेंगे, तो केवल ए के अवयव रहेंगे और बी के अवयव नहीं रहेंगे। तो पी क्यू आर और ए क्या है, ए बी सी डी, तो दोनों ही देखिए दोनों में उभयनिष्ठ अवयव है ही नहीं, तो ए माइनस बी किसके बराबर आएगा, वापस ए ही आएगा, यानी कि ए बी सी डी, यानी ए माइनस बी बराबर ये चीज क्या है, वापस समुच्चय ए ही है। तो a माइनस बी किसके बराबर है, a के बराबर है, और ये बराबर कह रहा है किसके, c के। तो क्या a बराबर है c, तो क्या a माइनस बी बराबर आया c के, बिल्कुल नहीं आया। तो ये पहला आपका क्या हो जाएगा, असत्य, पहला क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि a माइनस बी वापिस क्या आ रहा है, समुच्चय a ही आ रहा है, तो समुच्चय a और c बराबर नहीं है। आगे बात समझ में, तो पहला हो गया आपका असत्य। दूसरा चेक कर लेते हैं कि b माइनस सी नॉट इजकल टू a, तो b माइनस सी निकालते हैं, तो b माइनस सी निकालेंगे वही केवल b के अवयव रहेंगे c के नहीं रहेंगे। p q r, तो यहाँ पे है p q, तो p q क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ, तो p q नहीं लेंगे, क्या आएगा r, तो b माइनस सी क्या आया r। अब ये कह रहा कि ये बराबर नहीं है a के, तो आप देख सकते हैं ये नॉट इजकल टू a, a क्या है आपका ए बी सी डी, तो क्या ये वाला समुच्चय और ये वाला समुच्चय बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब बी माइनस सी बराबर नहीं है किसके, ए के। तो ये जो चीज इसने लिखी है यहाँ पे, ये क्या लिखी है, सत्य लिखी है। आगे बात, तो दूसरा पार्ट इसका क्या हो जाएगा, सत्य, क्लियर है। तीसरा के बी माइनस ए फाई, तो बी का बी से ए का अंतर ये कह रहा है कि फाई आएगा, यानी कि रिक्त समुच्चय आएगा। तो हम चेक करके देख लेते हैं क्या आ रहा है, तो b माइनस ए पी क्यू आर ए, तो केवल देखिए b और a दोनों ही क्या है,
ए स्विंग से ऊंचे तो बी माइनस ए वापिस क्या आएगा, बी आएगा। आगे बात सुन, इसका मतलब बी माइनस ए फाई नहीं होगा, वापिस क्या आएगा, बी आएगा। इसका मतलब ये जो चीज इसने लिखी है ये क्या है, असत्य है। आगे बात सुन, तो ये भी क्या हो गया, असत्य। चौथा देखिए, ए यूनियन बी में से सी घटाना है, तो ए यूनियन बी करते हैं पहले। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर आएगा क्या, ए और बी के दोनों के सम्मिलित अवयव ए बी सी डी पी क्यू आर। अब इसमें से क्या घटाना है, सी घटाना है। तो इसमें से घटाना क्या है, ए यूनियन बी में से सी, यानी इस समुच्चय में से ये समुच्चय घटाना है। तो ए यूनियन बी माइनस सी, ये क्या आएगा देख लीजिए। तो उभयनिष्ठ दोनों में, यानी ए यूनियन बी में से सी घटाना है, तो केवल ए यूनियन बी के अवयव रहेंगे, सी के नहीं रहेंगे। तो देखिए ए बी पी क्यू, तो ए बी पी क्यू ये अवयव नहीं आएंगे क्योंकि ये सी में भी है। आया तो क्या आएंगे, सी डी आर, सी डी आर। तो ए यूनियन बी माइनस सी क्या आ रहा, सी डी आर, यहाँ से सी डी आर, बिल्कुल ये सत्य है। आगे बात समझ, तो ये वाला पार्ट क्या है, सत्य है। पांचवा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी देख लीजिए क्या आ रहा है, ए बी सी डी पी क्यू आर। आगे बात सुन, इंटरसेक्शन सी, और सी आपके पास में ये पड़ा है, तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन करवाना सी, तो आएगा क्या देखिए। हाँ, दोनों में उभयनिष्ठ, इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, उभयनिष्ठ। तो ए बी, ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, सी डी आर इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। तो क्या आएगा, ए बी पी क्यू, यानी कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन करेंगे सी, तो ए बी पी क्यू वापस सी आ रहा, तो वापस सी आ रहा, बिल्कुल ये भी क्या है, सत्य है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है, क्लियर है। तो पहला पार्ट असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा और पांचवा सत्य। आगे बात, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देखिए, यदि ए एक रिक्त समुच्चय है तो पावर सेट ऑफ ए में कितने अवयव होंगे, आपको बताया हुआ है। देखिए ए क्या है, खाली समुच्चय है, यानी कि इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो इसको आप इससे व्यक्त कर सकते हो या फाई से व्यक्त करते हो। पावर सेट की परिभाषा क्या है, घात समुच्चय की परिभाषा क्या है, कोई किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। तो ये खाली समुच्चय, तो इसका उप समुच्चय केवल एक ही होगा, स्वयं खाली समुच्चय। आगे बात है, अब इसका समुच्चय वो क्या होगा, पावर सेट, यानी कि ये चीज। आगे बात समझे, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने, अगर ए खाली समुच्चय तो पावर सेट ऑफ ए में कितने अवयव होंगे, केवल एक अवयव होगा। दूसरा, मैंने आपको बताया था, अगर किसी समुच्चय में एन अवयव है, अगर किसी समुच्चय में नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए यानी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, मान लीजिए एन की जगह आप एम कर दीजिए कि एम अवयव है, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए में कितने अवयव होंगे, टू की पावर एम, बताया था। तो देखिए ए क्या दे रखा है, रिक्त समुच्चय दे रखा है, यानी कि इसमें अवयवों की संख्या क्या है, जीरो। तो पावर सेट ऑफ में अवयवों की संख्या क्या होगी, टू की पावर जीरो, यानी कि वन। और वो अवयव कौन सा होगा, एक खाली समुच्चय होगा। आगे बात समझ में, तो पावर सेट ऑफ ए ये होगा खाली समुच्चय, तो केवल एक अवयव होगा। आगे बात में, यदि समुच्चय ए रिक्त समुच्चय है तो घात समुच्चय, एक घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे, एक अवयव होगा। ये हमने पहले भी किया है जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखे क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों को अंतराल रूप में लिखिए, अंतराल रूप में लिखो। पहले ही देख लीजिए, समुच्चय दे रखा है x, जहां x बिलोंग कर रहा है R से, देखिए आ गया ना, वास्तविक संख्या से बिलोंग कर रहा है, तो इसको हमेशा हम अंतराल रूप में ही लिखेंगे। और x जो है a और b के बीच में है,
यानी a से बड़ा लेकिन b से छोटा, तो इसका अंतराल रूप क्या होगा? a b। आगे बात समझ में? देखिए कौन सा विवर्त अंतराल होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह नहीं है, केवल ग्रेटर देन है और यहाँ पे केवल लेस देन है। तो जब ग्रेटर देन और लेस देन, जब ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह आता तो हम विवर्त अंतराल बनाते हैं। आगे ने बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए सम्मिलित नहीं है और इधर बी सम्मिलित नहीं है, दोनों के बीच का, तो कौन सा विवर्त अंतराल यानी ओपन इंटरवल बनेगा और ये इसका हो जाएगा अंतराल रूप। आगे बात समझ में? यानी कि x किस में से बिलोंग करेगा, इस अंतराल में से बिलोंग करेगा, लेकिन a और b शामिल नहीं होंगे, a और b के बीच की सारी वैल्यू x ग्रहण करेगा। आगे बात समझ में? दूसरा, ये भी हमने सारे किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। x x बिलोंग कर रहा है r से यानी वास्तविक संख्या से, और तीन से बड़ा, पाँच के बराबर या पाँच से छोटा। देखिए इस तरफ से विवर्त और इस तरफ से संवर्त, तो अंतराल रूप क्या हो जाएगा इसका? इस तरफ से विवर्त तीन, इस तरफ से संवर्त, यानी कि ये क्लोज इंटरवल वाला चेन बनेगा। आरी भाषा में सारे एग्जांपल ऐसे किए हुए हैं हमारे। तीसरा देख लीजिए क्या है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर वास्तविक संख्या से, और एक्स की जो वैल्यू है जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी लेकिन आठ से छोटी, तो इस तरफ से विवर्त इस तरफ से संवर्त, तो अंतराल रूप क्या हो जाएगा इसका? इस तरफ से विवर्त और इस तरफ से संवर्त, सॉरी इस तरफ से संवर्त और इस तरफ से विवर्त, इधर से बंद अंतराल इधर से खुला अंतराल। आगे बात समझ में? और लास्ट देख लीजिए इसका चौथा पार्ट, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस वन के बराबर या माइनस वन से बड़ा, पाँच के बराबर या पाँच से छोटा, तो ये वाला जो इंटरवल बनेगा कौन सा बनेगा? बंद अंतराल, संवर्त अंतराल। आगे बात समझ में? क्लोज इंटरवल अंतराल रूप क्या हो जाएगा? दोनों तरफ से क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल। आगे बात समझ में? तो ये सारे क्वेश्चन हमने पहले जब एग्जांपल इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी अंतराल रूप की, उसमें हमने सारे टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं। आगे बात सुन, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन नंबर 22, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए क्या है, अंतराल को समुचित निर्माण रूप में लिखिए। में लिखो पहला ही देख लीजिए, अंतराल दे रखा 2.5। आगे बात समझ? तो आंसर समुचित निर्माण रूप क्या हो जाएगा? x x बिलोंग्स टू r और x दोनों तरफ से क्या है? ओपन इंटरवल है, यानी कि x जो वैल्यू ग्रहण करेगा दो और पाँच के बीच वैल्यू ग्रहण करेगा, दो शामिल नहीं है पाँच भी शामिल नहीं है, तो ये हो गया इसका समुचित निर्माण रूप, सिंपल है बिल्कुल। दूसरा 0.7, तो देखिए एक तरफ से ओपन है एक तरफ से बंद है। आगे बात समझ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x जहां x बिलोंग कर रहा है r से और x की वैल्यू 0 के बराबर और 0 से बड़ी लेकिन 7 से छोटी, सिंपल है बिल्कुल। तीसरा अंतराल दे रखा आपको 2.10, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? समुचे x x बिलोंग टू r दोनों ही दो के बराबर या दो से बड़ा, दस के बराबर या दस से छोटा। आगे बात समझ में? और चौथा देख लीजिए क्या है, माइनस पाँच 0, इधर से ओपन है और इधर से बंद है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा? समुचे निर्माण रूप x x बिलोंग्स टू r माइनस 5 से बड़ा लेकिन 0 के बराबर या 0 से छोटा। आगे बात समझ? तो इस प्रकार से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 23, क्लियर है? ये अंतराल रूप दे रखा है, ये इसका समुचित निर्माण रूप हो गया, ये अंतराल रूप दे रखा है इसका समुचित निर्माण रूप हो गया, अंतराल रूप समुचित निर्माण रूप, अंतराल रूप समुचित निर्माण रूप, क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए क्या है। यदि एक समुच्चय दे रखा है ए, जो कि क्या है x, x बिलोंग्स टू n, किसमें से x बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, प्राकृत संख्या से, दो के बराबर या दो से बड़ा, नौ के बराबर या नौ से छोटा। आगे बात समझ, तो ये आप इंटरनल रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे x किस में से बिलोंग कर रहा है, n से। तो ये समुच्चय a होगा क्या आपका, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, क्योंकि x किस में से बिलोंग कर रहा है, प्राकृत संख्या में से, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, और ये वाली कंडीशन भी अप्लाई हो रही है। आगे ना बात समझ में, तथा b आपको दे रखा है समुच्चय x, जहां x दो अंकों की प्राकृत संख्या है, दो अंकों की प्राकृत संख्या है, जिसके अंकों का योग आठ है। आगे बात सुन, तो निम्न समुच्चय ज्ञात कीजिए, तो यह भी वापस लिख देंगे, तो निम्न समुच्चय ज्ञात कीजिए। आगे बात, तो आंसर तो दिया है ए बराबर, तो ये समुच्चय निर्माण रूप में रोस्टर रूप में लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, ये दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, तथा बी रोस्टर रूप में लिखिए, ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था कि x दो अंकों की प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 6 है, कल क्या ऐसा क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अंकों का योग 8 है, तो दो अंकों की प्राकृत संख्या होनी चाहिए, तो पहली कौन सी हो जाएगी, 17 यानी कि 17। आगे बात, 17 दो अंकों की प्राकृत संख्या जिसमें दो अंक है 1 और 7, दो अंकों की प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है 17। आगे बात समझ में क्लियर है, और क्या हो जाएगा 26, और क्या हो जाएगा 35, फिर क्या हो जाएगा 35 के बाद में आ जाएगा आपके पास में 44, फिर 53, फिर 62, फिर 71। आगे बात समझ में क्लियर है, देख लीजिए दोनों समुच्चय हमने बना दिए हैं। चलिए तो अब करते हैं इसके पार्ट, तो पहला पार्ट क्या करना है आपको, देखिए पहला पार्ट कि a यूनियन b बराबर क्या होगा, तो a यूनियन b, तो निम्न समुच्चय ज्ञात कीजिए, तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, a और b का यूनियन करवाना है, तो क्या आ जाएगा, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, ये आ गया आपका पहला ए यूनियन बी। क्लियर है, ए और बी के दोनों के अवयव सम्मिलित होने चाहिए। दूसरा पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, तो देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों में उभयनिष्ठ कुछ नहीं है, यानी कि खाली समुच्चय आएगा, क्या आएगा, रिक्त समुच्चय। आगे बात समझ में, तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या आपको ए माइनस बी ज्ञात करना है, ए माइनस बी आपको पता है ए और बी दोनों असंयुक्त समुच्चय, यानी दोनों में उभयनिष्ठ कुछ है ही नहीं, तो ए माइनस बी वापस क्या आएगा, ए ही आएगा, यानी कि ए में से बी घटाना है, तो केवल ए के अवयव बी के नहीं, तो क्या आ रहा है वापस, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, यानी कि वापस क्या आ रहा है, समुच्चय ए ही आ रहा है, तो ए माइनस बी वापस क्या आएगा, ए आएगा। और इसका चौथा पार्ट देख लीजिए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, चौथा पार्ट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। आगे बात, तो देखिए ए माइनस बी वापस क्या आएगा, ए, ए माइनस बी वापस क्या आएगा, ए, यूनियन बी माइनस ए वापस क्या आएगा, बी आएगा। आगे ना बात समझ, कोष्टक में लिख दीजिए क्या, चूंकि
ए माइनस बी बराबर ए तथा बी माइनस ए बराबर बी। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों एस संयुक्त है, तो ए माइनस बी क्या आएगा? ए। अगर बी माइनस ए करोगे तो वापस क्या आएगा? बी आएगा। तो ए माइनस बी क्या आएगा? ए। बी माइनस ए क्या आएगा? बी। अब ए यूनियन बी क्या आएगा वो देख लीजिए। तो ए यूनियन बी तो हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं, पहले ये देखिए ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या आएगा? दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ सत्रह छब्बीस पैंतीस चवालीस तिरपन बासठ इकहत्तर आगे पास में। तो ये आ जाएगा आपके पास में ए यूनियन बी। क्लियर है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।